और एक बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से मिल रही है, जहां एक भारतीय बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। श्रद्धालुओं से भरी बस पलटकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। खबरों की माने तो मौनी अमावस्या के मौके पर नेपाल के त्रिवेणी धाम से स्नान कर लौट रहे ये भारतीय श्रद्धालु नवलपरासी के गांव के पास ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में गोरखपुर जिले के करीब 60 से 70 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 5 ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त बहुत गंभीर बताई जा रही है। एक ऐसा अजूबा जिसे कोई चमत्कार कह रहा है तो कोई उसे ढोंग और अंधविश्वास बता रहा है। मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर महाराज इन दिनों इतनी चर्चा में है कि पूरे देश में सिर्फ उनकी ही बात हो रही है। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये समझने के लिए आपको बागेश्वर बाबा का दरबार। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम दिखाते हैं अपने इस रहस्य लोक में बागेश्वर महाराज अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोक के कितने राज, वो आए जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार, पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंग बली सहाय तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक है तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ढोंग। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। शक्तियाँ होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दर्शन। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। गुठी बांध लो आप भी, नारियल एक तरफ रख दो। सारा विवाद इसी को लेकर दर की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम?
आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात।